हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सऊदी डिसिडेंट जर्नलिस्ट जमाल खशोजी की मौत की खबरें तो इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया पर हैं और उन्होंने इतना तहलका मचाया हुआ है कि इवन अमेरिका बादर भी कंफ्यूज है। अमेरिका को इस चीज़ पर कंफ्यूजन है कि वो इस वक्त किस नैरेटिव का साथ दें। अगर वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होते हैं खशोजी के मामले में, तो अमेरिका में जो खूनी लिबरल्स और जितनी भी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेवेला मचाएंगी कि तुम ये ऑप्रेसिव रिजीम के साथ क्यों खड़े हो गए इस मामले पर। और अगर वो सऊदीया को झंडी गिराता है, अगर वो सऊदीया को लुताड़ता है, तो इस सूरत हाल में उसके सऊदीया से जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और सऊदीया से ताल्लुकात ख़राब होने का मकसद है जो इनकी इतनी बड़ी बड़ी आम डील्स हुई उनकी कैंसिलेशन, जो कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। हम सब ने देखा सीसीटीवी फुटेज के थ्रू के बदकिस्मत खशोजी 2 अक्टूबर को टर्की में कायम जो सऊदी कौंसलेट है उसके अंदर एंटर हुआ और उसके बाद वो अभी तक बाहर नहीं निकला। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो अभी तक अंदर ही है कहीं। जिस दिन बदकिस्मत खशोजी एंटर हो रहा था सऊदी कौंसलेट में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने, उसी दिन सुबह 2 प्राइवेट जेट्स चार्टर्ड फ्लाइट्स के थ्रू सऊदी अरेबिया से इस्तांबुल सफर करते हैं 15 एजेंट्स को लेके। और वो 15 जो एजेंट्स थे वो प्रॉबेबली वही लोग थे जो कि मिशन खशोजी के साथ आए थे कि खशोजी को मारना था, उसको ज़िबा करना था, उसके टुकड़े टुकड़े करने थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने साथ बोन सॉ भी लाए थे सऊदी अरेबिया से ही, वो बहुत बड़ी जो आरी होती है जिससे जिसको काटते हैं तो इंसान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस टीम में कितने लोग थे, उनका ताल्लुक किन किन शोबों से है, वो क्राउन प्रिंस के कितने साथ हैं, ये सारा वेस्टर्न मीडिया डिटेल से बता चुका है। उनका बायोडाटा तक उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और उन्होंने सारा दिखा दिया कि उन्होंने वो फ्लाइट का रूट भी दिखा दिया कि किस तरह वो आए उसी दिन 2 अक्टूबर को इस मिशन के साथ, उन्होंने किस होटल में स्टे किया, उसके बाद वो कितने बजे वो पहुंचे सऊदी कौंसलेट में और फिर इवेंचुअली किस तरह उन्होंने मारा। अब वो जो एजेंट्स थे वो खशोजी की एंट्रेंस से तकरीबन दो घंटा पहले ही वो बैठे हुए थे, वो इंतज़ार कर रहे थे उसका कि वो कब आए और कब हम अपना मिशन शुरू करें। अब खशोजी एंटर होता है उस कौंसलेट में, फिर हम देखते हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद जो भी डिटेल्स हमारे पास हैं वो टर्किश ऑफिशियल्स की रिलीज़ करते हैं, क्योंकि वो सारा कवर्ड होता है, वो बग्स लगे होते हैं वहाँ पे, सारा इक्विपमेंट होता है, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट होता है जो सारा रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि आप कोई भी किसी भी मुल्क में एम्बेसी होती है, स्पेशली कईयों में ऑडियो की फैसिलिटी होती है कि पूरी वो उन्होंने कवर की होती है, वो टेप कर रहे होते हैं सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह। और अमेरिका जैसे मुल्क में जो पावरफुल ममालिक हैं वो तो मेरे ख्याल वीडियो भी बनाते होंगे कि अंदर क्या कुछ होता है, हर एम्बेसी पे वो नज़र रखते हैं। तो इसी तरह टर्किश के पास भी सब कुछ है, टर्क्स के पास एक चीज़ है कि उस वक्त क्या हुआ, अभी वो ज़रा रिलीज़ नहीं कर रहे। तो खशोजी को पहले तो उन्होंने मारना शुरू किया उस टीम ने, उसके बाद उसको टॉर्चर करना शुरू किया, अभी वो जिंदा ही था फिर के उसकी उंगलियां काटना शुरू की, पहली दूसरी तीसरी, और ये सारी ऑडियो टर्किश ऑफिशियल्स के पास है। उसके बाद उन्होंने उसको कॉन्फ्रेंस टेबल पर लिटाया, उसका सर कलम किया, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा काटा और शॉपर्स में उन्होंने उसे डाल के उन्होंने उसको कहीं फेंक दिया। और कहा यह जा रहा है कि उसकी जो रिमेन्स हैं, उसके जो भी हिस्से हैं जिस्म के, वो इस्तांबुल में उन्होंने कहीं फेंके हैं, जिनकी टर्किश टीम्स अभी तक सर्च कर रही हैं, उसको ढूंढ रही हैं कि वो कहां पर हैं। अब इस 15 एजेंट्स की जो टीम थी, इनको जो लीड कर रहा था वो था डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल्तुबैगी, जो कि फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है और पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट है, और इसने डिग्री हासिल की हुई है इन चीज़ों की ग्लासगो यूनिवर्सिटी से। सऊदीज ने भी पक्का सर्टिफाइड बंदा भेजा कि बड़े साफ शफाफ तरीके से कोई गंद ना फैले, उसको आराम से काटे और पूरे प्रॉपर तरीके से उसको फिर जो भी होता है उसको ठिकाने लगाए। अब एम्बेसी किसी की भी मुल्क की हो ना, तो उस मुल्क में वो उस कंट्री का हिस्सा तसव्वुर किया जाता है, जैसे अगर पाकिस्तान की इंडिया में एम्बेसी है तो वो बिल्डिंग वो पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाता है। इसी वजह से ये एक ख्याल तसव्वुर किया जाता है कि एम्बेसीज वाले जो लोग होते हैं वो अपनी एम्बेसी में कुछ भी कर सकते हैं, उनको इम्यूनिटी हासिल होती है। तो पहले तो उन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया कि टर्किश टीम जो इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं वो नहीं अंदर आ सकती, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने कन्फर्म किया कि जो डेथ थी वो अंदर ही हुई थी। अब उनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन भी है, उनके पास तो सारी ऑडियो भी है, और उनके मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की ऑफिशियल्स को, तैयब अर्दगान को, उन्होंने ये बताया कि जी ये जलाद साहब थे जो सबसे बड़ा जलाद था, उसने ये अल्तुबैगी जो था तो उसने वहाँ पे म्यूज़िक चला लिया था और ख़ुद हेडफोन्स पहन लिए थे और बाकी सबको भी कहा कि तुम म्यूज़िक सुनो, मेरा ये तरीका है कि मैं जब भी कोई इस तरह के मिशन कर रहा होता हूँ, जब किसी को मार रहा होता हूँ, तो मैं म्यूज़िक लगा लेता हूँ ताकि मेरे लिए काम ज़्यादा आसान हो जाए, मुझे टेंशन ना हो।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मिनट के अंदर अंदर खशोजी को उन्होंने मारा, उसको जिंदा उन्होंने उसको काटा। अब इस सब के बारे में वेस्टर्न मीडिया बहुत बढ़ चढ़ के रिपोर्टिंग कर रहा है। उन्होंने तो एक एक बंदे का बता दिया कि कौन क्या है, कौन कितना करीब है क्राउन प्रिंस के। लेकिन जी हमने देखा कि पहले तो क्राउन प्रिंस की तरफ से, सऊदी ऑफिशल्स की तरफ से आती रही तरदीद आती रही कि जी हमें नहीं पता, वो तो चला गया था विदाउट एनी एविडेंस। वो ये कहते रहे कि वो खशोजी बिल्डिंग छोड़ के चला गया था, जबकि इसका कोई एविडेंस नहीं था सीसीटीवी के मुताबिक। लेकिन जब पूरी दुनिया के मीडिया ने और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर आवाज़ उठानी शुरू की, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया सऊदी अरेबिया पे कि क्लियर इसकी कोई क्लैरिफिकेशन दो, तो फाइनली उन्होंने सैटरडे को उन्होंने एडमिट किया कि यस वो वहाँ पे कत्ल हुआ था। और वो कत्ल क्यों हुआ था, उसका फड्डा हुआ था वहाँ पे किसी कॉन्सुलेट के ऑफिसर से, तो उस लड़ाई के दौरान वो मारा गया। क्या एक्सप्लेनेशन है भाई, मतलब कॉन्सुलेट में आपने मुल्ला फजलुल्ला जैसे लोग रखे होते हैं कि उनसे आपकी कोई बहस हुई है तो वो आपको मार देते हैं, वट दे हो जी। और अभी रिसेंटली जो सऊदी ऑफिशियल्स की जो फॉरेन उनके स्पोक्स पर्सन है उनकी ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ये एक रोग ऑपरेशन था। यानी कि पहले वो उन्होंने कहा कि पहले तो कहते थे हमें पता ही नहीं है, वो चला गया। फिर उनका मौकफ ये बदला कि जी वो लड़ाई के दौरान मारा गया। अब तीसरा जो उनका फ्रेश मौकफ सामने आया कि जी वो एक रोग ऑपरेशन था, हमारे इंटेलिजेंस और हमारे जो मिलिट्री के लोग थे उनकी उससे कोई पर्सनल खार थी, उन्होंने उसको मार दिया। इसका सऊदी क्राउन प्रिंस को नहीं पता था, इसलिए हमने उन लोगों के खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी, उनके खिलाफ कोर्ट ट्रायल शुरू कर दिए जिन्होंने उसको मारा। अब मज़े की बात है, जब ट्रंप से इसका रिएक्शन मांगा गया कि यार आप सऊदी जो नैरेटिव है आप क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो सऊदी अरब कह रहा है कि जी हमें नहीं पता था, सऊदी क्राउन प्रिंस जो कह रहा है और बादशाह सलामत जो कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता था, तो ट्रंप साहब का उस पर ये जवाब था कि सऊदीया की जो नैरेटिव है, जो ऑफिशियल नैरेटिव है वो क्रेडिबल है। और एक जगह पर ट्रंप साहब ने ये भी कहा कि ये कोई हमारे मुल्क में थोड़ी हुआ है और खशोजी कोई हमारा बंदा थोड़ी था, तो हमें इसकी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए हमारी उनसे। उसने ओपनली कह दिया कि इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी आम डील्स हुई हैं हमारी उनके साथ, तो हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते। उन आम डील्स का फ़ायदा डायरेक्ट अमेरिकन को होगा, जॉब्स क्रिएट होगी, तो हम क्यों ख़राब करें सऊदी अरेबिया के साथ अपनी सिर्फ एक खशोजी के मामले पर। और एक जगह पर तो उन्होंने सऊदी अरेबिया को इनक्रेडिबल एलाय कहा कि ज़बरदस्त पार्टनर है, हम इससे दोस्ती जारी रखेंगे। Saudi Arabia has been a great ally. They've been a tremendous investor in the United States. They've invested and the jobs. और माइक पोम्पियो का भी हमने देखा कि विजिट हुआ वहाँ पे, मुझे लगता है पोम्पियो सारी उनको स्ट्रेटेजी समझा के आया कि अब ये कहना ये कहना अब ये कहना। तो जहाँ पे इस वक्त सऊदी अरेबिया पे क्रिटिसिज्म हो रही है दुनिया भर के मीडिया की और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की, इसके साथ साथ ही अमरीका बादल को भी सही लताड़ा जा रहा है कि यार आप अपनी सिर्फ कुछ मुआहदों की खातिर, दोस्ती की खातिर आप शेमलेसली कवर अप कर रहे हो इन सारे, ये जो इतना एक सफाक जुर्म किया गया है कि यार आपने एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट जो सिर्फ आपकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ही लिखता था ना, आपको वो तो नहीं कोई कहता था आपके, ये तो नहीं था कि वो कुछ दुश्मनों से मिला हुआ था, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म करता था, उसको कुछ इख्तलाफ था तो उसकी कोई बात सुनी जाती, बनेंगे वो भी गद्दार था, वो सऊदी अरेबिया का एक सो कॉल्ड गद्दार था जिसको बेदर्दी से मारा गया। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि अगर टर्किश ऑफिशियल्स के पास सारी चीज़ें हैं कि सारा उनके पास सबूत हैं, सारी ऑडियो सबूत हैं, सब कुछ उन्हें पता है कि उसको मारा गया, उसके टुकड़े किए गए, कहाँ फेंका गया, तो वो अभी तक खुल के क्यों नहीं सामने आ रहे, जबकि हमने देखा कि उर्दगान की ये स्टेटमेंट आई कि जो सच है वो हम सामने लाएंगे जब सारी तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि टर्किश भी यहाँ पे डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, कोई भी जब इंटरनेशनल मामला आते हैं ना तो सच झूठ बहुत पीछे रह जाता है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका क्या कह रहा है, हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया का कह रहा है, सच झूठ इनके लिए कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ मुल्क की मफाद मैटर करता है। टर्की भी यहाँ पे गेम खेल रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, उसके कुछ आइडियोलॉजिकल फड्डे चले हुए आजकल और उसकी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, वो इस वाक़े को यूज़ करते हुए सऊदी अरेबिया से कुछ फ़ायदे उठाएगा, हो सकता है कुछ डॉलर्स की शक्ल में या कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स की शक्ल में या फिर या इंटरनेशनल मामलात में जहाँ भी उसे सऊदी अरेबिया की ज़रूरत है वो उसको यूज़ करेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह ट्रंप साहब बड़ी ईजिली मान रहे हैं कि यस हम यकीन कर सकते हैं जो सऊदी अरब का नैरेटिव है खशोजी पर, इसी तरह टर्की भी एक दिन शायद ये कह देगा कि हम यकीन करते हैं जी वाकई उसकी अंदर कोई पर्सनल फड्डा हुआ था जिसकी बेस पर मार दिया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं, सऊदी क्राउन प्रिंस इधर से ईजिली
صاف شفاف ہو کے نکل جائے گا. وہ پہلے بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں, آپ دیکھیں جو یہ لوگ یمن میں کر رہے ہیں اور جو اپنے کچھ علاقوں میں کر رہے ہیں, ان کی تو خبریں آتی نہیں میڈیا پر کیونکہ وہ ان کے اپنے ملک میں ہوتی ہیں. اب یہ تو واقعہ ٹرکی میں ہوا تھا, اس وجہ سے پوری دنیا کے میڈیا پر آ گیا. اب جو سعودی عربیہ جو کچھ اندر کرتا ہے وہ ویسٹرن میڈیا ابھی شاید سوچ بھی نہیں سکتا. ایک ڈسیڈنٹ جرنلسٹ کو اس بے دردی سے مارا گیا, اگر آپ اس کی کسی بات سے آپ کو اختلاف بھی تھا تو آپ اس کو آفیشیلی کچھ پکڑ سکتے تھے. وہ واشنگٹن پوسٹ میں لکھتا تھا جو کہ امریکن پبلشر ہے, آپ امریکہ کو کہہ سکتے تھے آپ ہمارے ہینڈ اوور کرو, امریکہ نے کر دینا تھا. لیکن آپ نے اس بے دردی سے اس کو ٹرکی میں اس کو ٹارگٹ کیا. میں تو اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں, اور کسی بھی اس طرح کے جرنلسٹ کو اگر وہ آپ کی پالیسیز کے خلاف لکھ رہے, کچھ بھی بات کر رہے, تو اس کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال سعودی عربیہ پہ تو پہلے بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے الزام لگتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ اس میں بھی بڑی ایزیلی بچ کے نکل جائے گا, کوئی خاص پنگا نہیں ہوگا, کیونکہ امریکہ بہادر کی اس کو سپورٹ حاصل ہے. مسئلہ یہ ہے اگر امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو سعودی عربیہ بہت بڑے مشکل میں پھنس سکتا ہے. لیکن امریکہ نے بھی اس سین میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اپنے جو ان کی ہلکی سی ٹسل چل رہی تھی پچھلے دنوں سعودی عربیہ سے, انہوں نے اس کو بھی یوز کیا ہوگا, سعودی عربیہ سے کچھ فائدے اٹھائے ہوں گے جس طرح ٹرکی سوچ رہا ہے. تو سعودی عربیہ کو کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے اور وہ ایزیلی اس صورتحال سے نکل جائے گا. ایک خشوجی تھا نا, اب دیکھیں امریکہ بھی اس کے پیچھے نہیں آیا, حالانکہ وہ امریکہ میں رہتا تھا, امریکی اخبار کے لیے لکھتا تھا, لیکن امریکنز بھی مرے ہوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے کہ کوئی بھی ڈسیڈنٹ جرنلسٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی شہری ہوتا ہے اگر کسی ملک کا, وہ اگر اس طرح ملکی پالیسیز پر تنقید کرے اور اگر آپ کو وہ ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہے کہ یار آپ نے یہ پالیسی غلط بنائی ہے, تو کیا اس کو اس طرح مارنا کیا جسٹیفائبل ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو دنیا بھر سے اور پاکستان سے وہ سٹوریز ان کی مین اسٹریم میڈیا پر کوریج نہیں ہوتی, ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.